गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर हम लोग आए हैं सदर बाज़ार मार्केट। और गाइस, मैंने अपनी सदर बाज़ार मार्केट का पार्ट वन पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखा है तो मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और साथ ही मैं आई बटन पे भी दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सदर वीडियो का पार्ट नंबर टू। और फ्रेंड्स, एक और बात, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल भी करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जो बेल आइकन है उसे आपको ज़रूर प्रेस करना है, तभी आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर टू। तो यहाँ पे आपको मिलेंगी सदर बाज़ार मार्केट में सबसे सस्ती लटकन, जो आप लोग अपने सूट्स पे, ब्लाउजेस पे लगवा सकते हैं। और अभी मैं आप लोगों को जो भी यहाँ पे लटकन दिखा रही हूँ, जो बकेट्स में रखी हुई हैं, बास्केट्स में सॉरी, तो वो 10 रुपीज़ में भैया दे रहे थे। आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं 10 रुपये में। और अब जो मेरे हाथ में है वो आपको मिलेंगी 20 रुपीज़ में दो। और यहाँ पे आपको इस तरीके से बच्चों की स्लीपर्स मिल जाएंगी, जो हमें मार्केट में मिलती हैं 50 रुपीज़ की, बट आप लोगों को यहाँ से मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ 30 रुपीज़ की। तो मैंने अपने बेटे के लिए भी यहाँ से 1 पेयर परचेज किया था। और अब मैं आ गई हूँ इस तरफ, आपको इस तरीके से यहाँ पे बैग्स मिल जाएंगे। और यहाँ से आप जो छोटा बैग है अभी जिसको मैं आपको दिखाऊंगी वो है 100 रुपीज़ में। और इसका जो लुक था वो बहुत ही अच्छा था। आप इस तरीके के बैग को जिमिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं इस तरीके के बैग। कैसे मैं वही सा ले लेता हूं, और बड़े वाला महंगा है। और गाइस, जो ये पीठ पे हैंग करने वाले बैग हैं वो आपको मिलेंगे 300 रुपये में। हाँ, बट अगर आप लोग बार्गिन करेंगे तो आंटी आपको सस्ता भी लगा देंगे। और अब हम लोग इस तरफ आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से अपने बालों को डेकोरेट करने के लिए एक्सेसरीज मिल जाएंगी। और इनमें से आप जो फ्लावर वाली है वो है आपको 20 रुपीज़ की पड़ेगी, और जो साइड में बन वाली है वो आपको मिलेगी 30 रुपीज़ में। यहाँ से आपको ब्लैक कलर के नेक पीसेस मिल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 60 रुपीज़ में, जिनमें आपको साथ में इयररिंग्स भी मिल जाएंगे, और बहुत ही अच्छे लगते हैं ऐसे जो सेट होते हैं साड़ीज पे और सूट्स पे। और फ्रेंड्स, ऐसा वाला नेक पीस भी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसके अंदर मोर बना हुआ था पेंडेंट में, इसके बहुत ही ब्यूटीफुल था। तो अब हम आ जाते हैं इस तरफ, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे स्लिंग बैग्स और पर्स। और आपको स्लिंग बैग्स के लिए पे करना पड़ेगा 120 रुपीज़, और जिनके अंदर 4 चेन थी मिनिमम। और आप लोग भी देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे स्लिंग बैग्स के जो कलर हैं वो कितने अट्रैक्टिव हैं, और सारे यूनिक लग रहे हैं मुझे। और आपको ये वाले पर्स मिलेंगे सिर्फ 120 रुपीज़ में। और गाइस, अगर हम लोग इस तरीके के पर्स और स्लिंग बैग्स अपनी लोकल मार्केट से परचेज करते हैं तो हमें उसके लिए 250 रुपीज़ तो पे करना पड़ता है। और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कितने ब्यूटीफुल बैग्स हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे 2-3 स्लिंग बैग्स को दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स, मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया था ये रेड वाला, इसका मुझे जो कलर है वो भी बहुत पसंद आया था, तो मैंने इसे परचेज भी कर लिया था, वो भी सिर्फ 120 रुपीज़ में। तो फिर चलिए वीडियो को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये भी 150 का है। और गाइस, अब मैं आ गई हूँ फोटो फ्रेम्स की तरफ, तो आपको इन फोटो फ्रेम्स के लिए पे करना पड़ेगा 150 रुपीज़। और हाँ गाइस, अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल बहुत अच्छी है ना, तो आप इन्हें और भी सस्ते में लेके जा सकते हैं। और मैंने इसे भैया से परचेज कर लिया था 100 रुपीज़ में। हम लोग इसमें अपनी 3 फोटोज लगा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की, और ऐसे फोटो फ्रेम्स बेडरूम में बहुत अच्छे लगते हैं।
और गाइस मैं फिर से आ गई हूँ बैग्स वाले स्टॉल पे। तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे बैग मिल जाएंगे जिसके लिए आपको देने पड़ेंगे 100 रुपए। और ये जो ब्लू वाला बैग है मुझे बहुत पसंद आया था और इसका फिक्स प्राइस था 100 रुपीज। यहाँ पे बैग्स में कोई भी भैया बार्गेनिंग नहीं कर रहे थे, तो आपको बैग्स के लिए तो 100 रुपए देने ही पड़ेंगे। बट अगर आप लोग मार्केट से परचेज करेंगे तो आपको बहुत ही महंगा मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने आपको 3-4 टाइप की वैरायटी दिखाई है 100 रुपीज में। और अब मैं आ गई हूँ इस तरफ कॉस्मेटिक वाले स्टॉल पे। तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे लिप कलर हो गया और सिंदूर है, आईलैशेस है। भैया कितने का है ये? आपके 30 रुपए समझो वापस आ गए। भैया लिप कलर कितने के है? 50 रुपए। और गैस आपको एडीएस ब्रांड के जो लिप कलर्स हैं वो मिल जाएंगे 50 रुपीज में, जबकि अगर हम लोग लोकल मार्केट से परचेस करेंगे तो हमें सेम ब्रांड का 150 में मिलता है। कितने का है ये? 50। गैस आपको इधर सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे बहुत ही सस्ते रेट पे। और इस वाले स्टॉल पे भी ऑलमोस्ट सारे ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स थे। और ये जो सिंदूर वाला है ये आपको मिलेगा 5 रुपए का। और गैस आपको आईलैशेस बहुत ही सस्ती मिलेंगी अगर आप लोग 12 परचेज एक साथ ही करते हैं। एक बॉक्स में 12 होती हैं और पूरा बॉक्स है 120 रुपीज का। और अगर आप लोग पर पीस परचेज करेंगे तो आपको वो 20 रुपीज की पड़ेगी। साथ में इनके ग्लू भी होता है तो आप उसको पेस्ट भी कर सकते हैं इजीली, अगर आप कोई फंक्शन अटेंड करते हैं तो बहुत अच्छी लगती है ये। और अभी इधर आ गए हैं तो यहाँ पे हमें मिलेंगे नेल पेंट्स 5 रुपए के, 10 रुपए के, 15 के, जो कि बहुत अच्छे अच्छे हैं और सारे ही जो कलर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। और गाइस अब मैं उसी लेन में थोड़ा सा आगे बढ़ी हूँ तो वहाँ पे हमें मिले हैं इस तरीके से एक स्टॉल जहाँ पे टी शर्ट्स और लोवर्स का कलेक्शन था। और जो अभी मेरे हाथ में है वो था 150 रुपीज में। और इसके अंदर भैया ने मुझे 2 कलर्स दिखाए थे, एक था ब्लैक में और एक था जो मैंने अभी आपको दिखाया, तो मुझे पहले वाला ज़्यादा पसंद आया था और इसके लिए आपको देना पड़ेगा 150 रुपीज़। और भैया ने उसको बार्गेन करके 120 तक आ गए थे। और वहाँ पे टी शर्ट्स मिल जाएंगी आपको 100 में। तो मैं अभी आपको फुल स्लीव में, हाफ स्लीव में दोनों तरीके की टी शर्ट्स थी 100 में। और अब आपको इस मार्केट में इस तरीके से शो पीस मिल जाएंगे और आप इन्हें अपने मंदिर में भी रख सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे भगवान मिल जाएंगे और इसके अंदर लाफिंग बुद्धा भी था जो कि था 60 रुपीज का। और जो भोलेनाथ जी का था वो भैया 70 रुपीज का दे रहे थे, बट बहुत ही अच्छा था और ये देखने में सुंदर भी बहुत ज़्यादा लग रहे थे। और जो ये छोटे वाले हैं वो आपको मिलेंगे 40 रुपीज में। गैस आपको इस मार्केट में तो कॉस्मेटिक्स और पर्स के तो इतने सारे स्टॉल मिल जाएंगे ना, और इतना ज़्यादा वैरायटी होती है इनके पास में। यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के हेयर बैंड्स मिल जाएंगे, भैया ने 30 का, 20 का, 5 रुपीज़ का, 10 रुपीज़ का, बहुत सारे हेयर बैंड्स मुझे दिखाए थे और मैं आपको उनमें से 3-4 दिखा भी रही हूँ। और अब जो मैंने अब लगाया है वो भैया दे रहे थे 20 रुपीज़ में और ये वाला मुझे बहुत पसंद आया था। और अब मैं फिर दोबारा आ गई हूँ इस तरीके से पर्स वाले स्टॉल पे। तो आपको इन पर्स के लिए भी पे करना पड़ेगा 100 रुपीज़। पर जब मैं मार्केट में आई हूँ तो 100 वाले पर्स का स्टॉल तो बहुत सारा था और बहुत सारी वैरायटी भी थी। साठ का आपको 12 दूंगा, 2 पैक। अच्छा, एक ये तो 30 का, 30 रुपीज़ ले जाने में दिक्कत आई। बर्तन धोने वाले स्क्रब मिल जाएंगे आपको 30 रुपीज़ में 6। और गैस आपको मंगलसूत्र में बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी, अगर आपको हल्के में चाहिए, हैवी में चाहिए, तो आपको दोनों तरीके के मंगलसूत्र मिल जाएंगे और सबका प्राइस अलग था। और भैया मुझे दर्जन के हिसाब से ही बता रहे थे, अभी जो मेरे हाथ में है वो भैया बता रहे थे 120 रुपीज़ के 10, अगर आप लोग इसे सिंगल परचेज करेंगे तो वो आपको 20 रुपये का देंगे। और बहुत ही अच्छा था 20 रुपये। और अब आपको इधर पर्स मिल जाएंगे 100 रुपीज़ में 4। आप देख सकते हैं इनके पास में कितनी सारी वैरायटी है और ये चेक वाला मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे आपको बैंगल्स के सेट मिल जाएंगे 100 रुपये में 4। और इनके ऊपर धागे से वर्क हो रखा था, बहुत ही अच्छे लग रहे थे और मैंने यहाँ से 4 पेयर परचेज भी किए थे 100 रुपये में। और गैस इसके अंदर आपको 4 चूड़ियाँ और 2
कड़े मिलेंगे वन सेट में, तो बहुत ही सुंदर थे, बहुत अच्छे लग रहे थे ये। अब आपको इस वाले स्टॉल पे चार कड़ों का सेट मिल जाएगा 30 रुपीस में। आप इसमें से अपने साइज के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। आपको इसके अंदर सारे साइज मिल जाएंगे, छोटा हो बड़ा हो, और चार का सेट है 30 रुपीस में। यहाँ पे आपको स्लीपर्स मिल जाएंगी 30 रुपीस में, और इनके अंदर अलग अलग साइजेस भी थे। और गाइस मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, मेरी प्रीवियस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मार्केट किस दिन का है, तो मैं जनरली संडे को ही आती हूँ, बिकॉज यहाँ पे संडे को पूरा दिन मार्केट लगती है। अगर आप लोग बाकी डेज में आएंगे तो आपको 11 बजे से पहले पहले इस मार्केट में आना पड़ेगा। और अगर आप लोग संडे को आते हैं तो आप लोग पूरे दिन में कभी भी आ सकते हैं, आपको वहाँ पे ये मार्केट मिल जाएगी। और अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ दिखाती हूँ। आपको इस तरीके के सिंदूरदानी और शीशा मिल जाएंगे 30 रुपीस में, और जो सिंदूरदानी थी वो अंकल 20 रुपीस में दे रहे थे, और जो शीशा था वो 30 रुपीस में दे रहे थे। और इसके अंदर आप ये जो बड़ा वाला बॉक्स है ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा था, और भैया ये वाला 40 का बता रहे थे, बट मैंने उन्हें 30 का बोला तो वो तैयार हो गए। तो और गाइस अब आपको इधर बच्चों के आइटम्स मिल जाएंगे, बैडमिंटन मिल जाएगा, आपको बॉक्सिंग सेट मिल जाएगा, और बैट भी मिल जाएगा। बहुत सारे आइटम्स थे इनके पास बच्चों के लिए। और ये जो बैडमिंटन था वो 80 रुपीस का दे रहे थे, साथ में आपको शटल भी देंगे। और इनके पास में बॉल्स के पैकेट भी थे, जो कि ये 6 बॉल्स का पैकेट था, 12 बॉल्स का पैकेट था, बहुत ही सस्ते में दे रहे थे। गाइस अब इधर आपको जग का और ग्लासेस का सेट मिल जाएगा 120 रुपीस में, और जब मैंने भैया से बार्गेनिंग करना शुरू किया तो भैया ने मुझे ये 90 रुपीस में देने के लिए तैयार हो गए थे। अब मैं फिर दोबारा से आ गई हूँ एक कॉस्मेटिक के स्टॉल पे, तो यहाँ पे भैया 60 रुपए का दे रहे थे, और यहाँ पे आपको मिलेंगे 60 रुपए के 12 सिंदूर, 60 रुपए में 12 नेल पेंट्स, और यहाँ पे आपको रफर्स भी मिल जाएंगे जिससे हम लोग अपने बालों को टाई करते हैं, तो वो आपको पड़ेंगे 6 दर्जन 60 रुपए के। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही आपको बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, तभी आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेंगी। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।